हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जैसा कि हमने कल हड़प्पा के जो साइट्स मिले थे हमें हरियाणा में, वो पढ़ी थी। तो दोस्तों, उससे पहले आपको हम मैं बता दूं, जो सिंधु घाटी सभ्यता जिसे बोलते हैं, या इंडस सिविलाइजेशन, बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि हड़प्पा और सिंधु घाटी सभ्यता अलग अलग थी। नहीं दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इसमें हमें सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह मिली थी, जो वर्तमान समय में पाकिस्तान में है। और इसकी जो खोज थी दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। और इस हड़प्पा नामक जगह को देख के ही इस पूरी साइट को हड़प्पाकालीन सभ्यता बोल दी। तो दोस्तों, एक बार मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों को नहीं पता, कि ये हमारा इंडिया वर्तमान समय में, ये रफली सा डायग्राम बना है दोस्तों। तो जो पुराने समय में जो ईरानी जो लोग भारत में व्यापार करने के लिए आते थे, और जो ग्रीक थे वो भी आते थे, बेसिकली व्यापार के मकसद से आते थे। तो यहाँ पे जो सिंध नदी है आज के समय में पाकिस्तान में, उसको ये लोग पड़ाव समझते थे। वो पार करना, जैसे ही यहाँ पे पहुंच जाते तो ये समझ जाते कि भारत शुरू हो गया, और यहाँ पे जो लोग रहते थे उनको ये सिंधु बोलते थे। तो इसी के कारण इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया है। और इसकी जो रेंज अगर मैं बात करूँ, तो ये ऊपर जम्मू कश्मीर में मांडा नामक जगह से लेके नीचे दाइमाबाद महाराष्ट्र, ये एरिया 1400 किलोमीटर वर्टिकली, और हॉरिजेंटली अगर बात करूं तो मेरठ में हिंडन नदी के पास से, और यहाँ पे पाकिस्तान बलूचिस्तान, ये पूरा सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर आता था। और हम कह सकते हैं कि जो हमारा हरियाणा है, ये भी इसी का एक हिस्सा था। तो इसलिए हम हरियाणा में हड़प्पा सभ्यता पढ़ते हैं दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा कल का जो टॉपिक रह गया था, जो बाकी की साइट्स हैं वो हम कवर करेंगे। और दोस्तों, जो कल आपको बताया गया था भेड़ाना, वो हड़प्पा सभ्यता में सबसे प्राचीनतम, मतलब सबसे पहले उसे खोजा गया था। वो स्लिप ऑफ टंग हो गया कि ये हड़प्पा से भी पहले। नहीं दोस्तों, ये हड़प्पा में सबसे प्राचीनतम है जो हरियाणा में हमें मिला। तो अब हम शुरू करें, जो मीताथल जगह थी, एक और साइट जहां से हमें तांबे की कुल्हाड़ी व चौपड़ के साक्ष्य मिले। दोस्तों, मीताथल भिवाड़ी में है प्रेजेंटली, और यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी व चौपड़ मिला। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, मीताथल साइट से सीधा क्वेश्चन आता है कि मीताथल कहाँ है वर्तमान समय में, तो ये भिवानी रहेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं भगवानपुरा और दौलतपुर, ये कुरुक्षेत्र में जहां महाभारत का युद्ध हुआ था वहां पे है वर्तमान समय में, तो ये हमें यहां से हमें कांच की चूड़ियां, यहां भगवानपुरा से कांच की चूड़ियों के साक्ष्य मिले। और जो दौलतपुर जो था, यहां से हमें मिट्टी की मोहरें, जो हम आज के टाइम में स्टैंप यूज करते हैं आइडेंटिटी के तौर पे, तो पुराने समय में भी ये लोग अपनी आइडेंटिटी रखते थे व्यापार करने के लिए, तो मिट्टी की मोहरें यूज होती थी उस समय। तो ये हमें दौलतपुर से मिली दोस्तों। अब अगर बात करें तीसरी साइट की, तो बालू नामक जगह थी कैथल में। इस साइट पे हमें और कुछ ज्यादा नहीं मिला, इसके लिए हमें इसका नाम ही इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। बालू नामक जगह कहाँ है? कैथल में। अब एक आखिरी साइट बचती है,
मदीना वो भी बालू की तरह इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उसका नाम इम्पोर्टेंट है। ये रोहतक में मिली थी हमें, रोहतक से हमें कुल 3 साइट मिली, मदीना और गिरावड़ जो हमने कल की थी और फरमाना खास। ये तीनों साइट आपको याद रखनी है दोस्तों। तो इसी के साथ हमारी जो हरियाणा में हमें जो साक्ष्य मिले थे वो कंप्लीट होता है। अब हम पढ़ेंगे जो इनके खोजकर्ता थे, क्योंकि उनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि खोजकर्ता इन साइट्स का खोजने का जो श्रेय है वो किनको जाता है। तो दोस्तों अब हम इनके खोजकर्ता पढ़ेंगे सीरियल वाइज। सबसे पहले अगर हम बात करें राखीगढ़ी, जिसकी खोज अमरिंदर नाथ ने की थी, इनसे जो ये कौन सी यूनिवर्सिटी से थे वो भी पूछ लेते हैं। उसके बाद अगर हम जो बनावली है वो आरएस बिष्ट ने और जो रोहतक में फरमाना खास व गिरावड़ वो विवेक दांगी ने खोजी थी। और जो सबसे प्राचीनतम हमने पढ़ी थी भिड़ाना, एलएस राव ने, और जो मीता थल भिवानी जो आखिरी हमारा रहता है इसको डॉक्टर सूरज बान ने तो दोस्तों बेसिकली ये जो थे जिनको इसका क्रेडिट जाता है खोजने का, तो इनको आप ध्यान रखिए। राखीगढ़ी, अमरेंद्रनाथ, ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानिए आप। और जो सबसे प्राचीनतम है भिड़ाना, इसको भी हर बार एसएससी पूछता है। अब हम पढ़ेंगे जो अलग अलग देवी देवताओं की हमें मूर्तियाँ मिली हैं। दोस्तों बनावली से हमें जुते हुए खेत भी मिले थे। भारत के रिस्पेक्ट में कालीबंगा नामक जगह पे, जहाँ पे काली चूड़ियाँ भी मिली थी, और हरियाणा में हमें बनावली से जुते हुए खेत मिले थे। और ये वी होता है, इसका जो उल्टा बोलते हैं कि उल्टा वी आकार, इस टाइप का हमें एक औजार मिला था, वो भी हमें बनावली से मिला था। दोस्तों आपको बता दूं जो एचएसएससी हर बार पूछती है कि हरियाणा प्राचीन समय में किस नदी के किनारे था, तो वो सरस्वती, जिसे आज के टाइम में भारत सरकार विलुप्त मानती है, पर एचएसएससी ये मानती है कि हरियाणा में सरस्वती नदी थी और इसके साक्ष्य भी हमें मिले हैं। अब हम पढ़ेंगे जो सूर्य देव की मूर्ति गुप्तकालीन, ये हमें हरियाणा के अगरवा जो हिसार में पड़ता है, तो आपको अगरवा ना देके डायरेक्ट हिसार भी दे सकता है कि सूर्य देव की मूर्ति हमें कहाँ मिली। और उसके बाद हमें जो जैन मूर्तियां
जिसके संस्थापक महावीर स्वामी रियल में माने जाते हैं, वैसे ऋषभ देव थे। तो जो जैन मूर्तियां हैं वो हमें दो जगह से मिली, राणीला दादरी और हासी हिसार में। HSSC जैन मूर्तियों के क्वेश्चन पूछ चुकी है, और राणीला जैन मंदिर भी जो आपको मंदिरों के टॉपिक में करवाया जाएगा ट्रिक्स के थ्रू, ये सिर्फ राणीला जैन मंदिर दादरी में है, बाकी जो दिगंबर जैन मंदिर जैसे हिसार ये सब आपको करवाए जाएंगे। सूर्य देव की मूर्ति 2 से 3 बार HSSC प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। और जो यक्ष यक्षिणी इनकी मूर्तियां हमें पलवल से मिली थी दोस्तों, जो वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की साइड हरियाणा का एक जिला है, यहां से हमें यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां मिली, जैन मूर्तियां राणीला दादरी और हासी हिसार से। सूर्य देव की हमें अगर वह हिसार से मिली, उसी तरह जो मुगल शासक अकबर थे, अकबर वो अपने सिक्के जारी करवाते थे, जलाली सिक्के, उसके साक्ष्य हमें वो जलाली सिक्के हमें नारनौल से मिले, जो महेंद्रगढ़ के पास है, महेंद्रगढ़ जिले में आता है नारनौल, और अकबर के आगमन का गांव भी बोला जाता है नारनौल के धरसु गांव को, कि यहां अकबर खुद आए थे, ये जो जलाली सिक्के बनते थे यहाँ पे। और नारनौल में बहुत सारी मस्जिदें हैं, वो सब आपको करवाई जाएंगी, तो आप नोट डाउन कर लीजिए इनको। दोस्तों हरियाणा में हमें संगीत के साक्ष्य भी मिले हैं, संगीत के साक्ष्य हमें 2 बार मिले, जो पहली बार मिले वो हमें शुद्ध जगाधरी जो यमुनानगर में है यहां से मिले 2nd century में, और जो संगीत के 7 स्वर सारे गा मा पा इनके साक्ष्य हमें, जहां से हमें सूर्य देव की मूर्ति मिली थी अगरोहा हिसार। HSSC बहुत बार पूछ चुकी है कि संगीत के 7 स्वर के साक्ष्य हमें कहां मिले, और ये एक ईंट पे लिखे हुए थे, तो आपको डिटेल भी याद रखनी है कि किस पे ये मेंशन थे और कहां ये मिले थे। तो अगरोहा में संगीत के 7 स्वर और ये ईंट पे मेंशन थे दोस्तों। और शुद्ध जगाधरी में हमें एक बैलगाड़ी जिसपे की जो संगीत या वाद्य यंत्र होते हैं वो लिए हुए लोगों को दर्शाया गया है, तो वो 2nd century में हमें शुद्ध जगाधरी यहां से मिला था दोस्तों। और जो दोस्तों पुराने समय में जो राजा होते थे वो बेसिकली अपनी जो प्रभाव दिखाने के लिए अभिलेख और शिलालेख, जो शिलालेख जो पत्थरों पे लिखावट की जाती थी, और अभिलेख जो पूरे एक बिल्डिंग टाइप या फिर हम जो आज के टाइम में भी देखते हैं पुरानी जगह, उनको अभिलेख में काउंट किया जाता है, जिसपे वो अपनी भाषा इंगित करते थे, तो ये भी हमें मिले थे। जो सम्राट अशोक थे उनका एक अभिलेख हमें मिला, वो मिला हमें टोपरा से, टोपरा गांव वर्तमान में यमुनानगर में है, लेकिन उस समय ये अंबाड़ा में था, तो HSSC अंबाड़ा कंसीडर करती है कि टोपरा अभिलेख हमें कहां से मिला। तो दोस्तों इसका आंसर अंबाड़ा रहता है, टोपरा बहुत कम बार पूछा है, डायरेक्ट अंबाड़ा दिया गया था।
उसके बाद अगर मैं बात करूं जो इस जो टोपरा अभिलेख था इसमें एक और शासक के भी हमें जानकारी मिलती है, वो थे विग्रहराज चतुर्थ, जो कि एक चौहान शासक था और ये ग्राम सेवक के एग्जाम में आया था कि टोपरा अभिलेख में और किसके साक्ष्य हमें मिले थे, या फिर जो विग्रहराज चतुर्थ थे इसके जो जानकारी हमें कौन सा अभिलेख देता है, तो वो रहेगा टोपरा अभिलेख। दोस्तों टोपरा अभिलेख वर्तमान समय में दिल्ली में है, जिसे फिरोज शाह तुगलक जिसने हिसार को बसाया था वो दिल्ली लेके गया, और दोस्तों ये जितने भी हरियाणा के जिले हैं इनके जो संस्थापक थे, जो पुराने राजा थे जिन्होंने इनको बसाया था, वो सभी आपको एक वीडियो में करवाए जाएंगे, तो ये आप इम्पोर्टेंट कंसिडर कीजिए विग्रहराज चतुर्थ, क्योंकि HSSC आज तक पहले तो सिर्फ टोपरा अभिलेख कहाँ मिला था ये पूछती थी, लेकिन HSSC ने ग्राम सचिव में ये पूछ लिया कि विग्रहराज चतुर्थ के अभिलेख कौन से अभिलेख से मिले थे या फिर कौन से अभिलेख से उनकी जानकारी भी मिलती है, तो वो टोपरा अभिलेख ही होगा दोस्तों। अब बात करें एक आखिरी, जो हमें भगवान विष्णु इनकी एक मूर्ति मिली थी शैया पर लेटे भगवान विष्णु, HSSC डायरेक्ट पूछती है क्वेश्चन, ये हमें फिजलीपुर सोनीपत से मिली थी। दोस्तों ये मूर्तियां भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इनको पढ़ना, क्योंकि HSSC डायरेक्ट इन पे क्वेश्चन पूछती है और ये भी पूछ लेती है कि फिजलीपुर सोनीपत से हमें किस भगवान की मूर्ति मिली थी, तो वो विष्णु भगवान की शुद्ध जगाधरी से हमें 2nd century में बैलगाड़ी से संगीत के साक्ष्य मिले थे, 7 सवर जो थे अगरवा हिसार, और जो अभिलेख थे टोपरा अभिलेख, ये अभिलेख इंडिया नेशनल जो जिक्के है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए HSSC हर बार इस अभिलेख से क्वेश्चन पूछती है। और अगर आपको जनरल पूछे कि शिलालेख क्या होते हैं, तो जो पत्थरों पे लिखाई जो की जाती थी पुराने समय में, जो राजा करवाता था उसको हम शिलालेख कहते हैं, और यह अभिलेख किसका था, सम्राट अशोक का। दोस्तों आपको आगे जो हरियाणा के जिले पढ़ोगे, दोस्तों इसमें कोई फायदा नहीं है कि मैं शुरू में ये करवा दूं कि हरियाणा में 22 जिले हैं फला फला, लेकिन दोस्तों हम अगर सीरियल वाइज चलेंगे तो हमारे कॉन्सेप्ट भी थोड़े क्लियर होंगे, और अगर सीधे 22 जिले पढ़ लिए तो फिर इनको इंटरकनेक्ट नहीं कर सकते, इसके लिए आप ये 5-6 जगह याद कर लीजिए, शुद्ध जगाधरी जो कि यमुनानगर में है, और अगरवा हिसार, नारनौल महेंद्रगढ़, तराइन या तरावड़ी, करनाल, दादरी, इसके अलावा सोनीपत, कुरुक्षेत्र से लाडवा, शाहबाद, सिरसा से रानिया, फतेहाबाद से रतिया, कुणाल, क्योंकि दोस्तों ये वो नाम है जो बार बार आएंगे और आपको मिसकन्फ्यूज, जो इसमें आप आपको कन्फ्यूज कर सकते हैं कि ये जगह कौन सी जगह है, और ये हमें बार बार, क्योंकि यहाँ से अलग अलग समय पे हमें जानकारियां मिली थी,
दादरी को भिवानी से अलग किया गया था 2016 में। तो दोस्तों हम सीरियल वाइज चल रहे हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि हरियाणा में जो हर्षवर्धन थे, जहां से हरियाणा में शासन, हरियाणा में राजा के शासन की हमें जानकारी मिलती है। तो ये अगला टॉपिक हमारा हर्षवर्धन होगा दोस्तों। उसके बाद हम जो एडीआर का एडी आता है आफ्टर, या फिर जिसके बाद हम जैसे 670 से 680 आगे की तरफ चलेंगे, तो वो हम करेंगे दोस्तों अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी तो इसे शेयर जरूर करें, और कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी क्यूरी हो वो आप पूछ सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। दोस्तों अब एक छोटा सा टॉपिक मैं करवाना चाहता हूँ एडवांस हरियाणा का। जैसे हरियाणा में बहुत सी साइट्स खोजी गई थी, उसी तरह हरियाणा में प्राचीन स्मारक भी खोजे गए थे। जैसे कि हमने पहली वीडियो में पढ़ा था प्राचीन गुंबद, लाल गुंबद, उसी तरह हम आज एक और स्मारक है नाहन कोठी। और इसके अलावा अगर मैं बात करूं कुतुब खान की मस्जिद, दोस्तों ये वो साइट्स हैं जिन्हें HSSC मानता है, और हमें किसी भी बुक से नहीं, इनकी जानकारी हमें कोई भी बुक प्रोवाइड नहीं करवाती, ना ही किसी YouTube चैनल पे आपको पढ़ाया गया। दोस्तों जो नाहन कोठी है वो पंचकुला है, इसको जहाज कोठी मत समझिए जो हिसार में है, ये अलग है, जो जॉर्ज थॉमस की थी। और जो कुतुब खान की मस्जिद है ये भी आपकी उसी की तरह, लाल गुबंद की तरह, सोना गुरुग्राम में है दोस्तों। तो ये ऐसी साइट्स आपको एक कंप्लीट वीडियो मिलेगी 40 से 45 मिनट की, जब आपके एग्जाम्स पास आ जाएंगे या फिर जैसे ही हमारा कोर्स पूरा होता है, तो आपको ये एडवांस हरियाणा के जितनी भी साइट्स बनती हैं, जो जगह है, या फिर जो वर्तमान समय में HSSC मानता है, जैसे 5 जिले वो मानता है, हमें नहीं पता दोस्तों वो कौन सी झीलों को कंसीडर करता है, लेकिन अगर वो 5 मानता है तो हमें 5 ही